हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैनी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर जैनी एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे टेड मूवी को। यह एक कॉमेडी फैंटेसी मूवी है जो रिलीज हुई थी 26 अक्टूबर 2011 को। इसे IMDb पर 6.9 की रेटिंग दी गई है और 89% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। मूवी के शुरुआत में हमें एक छोटे बच्चे जॉन बेनेट को दिखाया जाता है जिसका कोई दोस्त नहीं था। वहाँ कहीं भी दोस्त बनाने जाता तो बच्चे उससे निकाल देते थे। वहाँ एक सच्चे दोस्त के लिए तड़पता रहता था। कुछ समय बाद क्रिसमस आता है। क्रिसमस की अगली सुबह सभी बच्चों को उनका उपहार मिलता है। वही जॉन को भी उसका उपहार मिलता है। वहाँ अपने गिफ्ट को खोलता है तो वहाँ बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसमें एक टेडी बियर होता है। वहाँ उसका नाम टेडी रखता है। जॉन उसे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगता है। वह बहुत खुश होता है, आखिर उसे उसका बेस्ट फ्रेंड जो मिल गया था। एक रात को जॉन विश मांगता है कि काश ये टेडी बियर जिंदा होता। इतनी विश मांगकर वह सो जाता है। अगली सुबह जॉन उठता है तो वह काफ़ी हैरान होता है क्योंकि टेडी बियर अब सचमुच जिंदा हो चुका था। उससे बोलता देख जॉन के मम्मी पापा उसे जीसस का एक चमत्कार मानते हैं। धीरे धीरे ये न्यूज़ पूरे शहर में फैल जाती है और हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ टेडी की चर्चा होती है। अब टेडी पूरे शहर में फेमस हो जाता है। इतना फेमस होने के बाद भी टेडी और जॉन की दोस्ती हमेशा बरकरार रहती है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन अब बड़ा हो चुका था। वहाँ एक कंपनी लिबर्टी में काम करता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है लॉरी, लेकिन वह अपना ज़्यादातर समय टेडी के साथ नशा करने में बिताता है और बच्चों वाले कार्टून देखता रहता है। एक दिन वह टेडी से पूछता है कि क्या उसे लॉरी को प्रपोज करना चाहिए, लेकिन टेड उसे ये सब हरकत करने से मना करता है। शाम को लॉरी काम से वापस आती हैं तो वो सब खाना खा के सोने चले जाते हैं। लॉरी और जॉन जब बिस्तर पर सोते हुए बात कर रहे होते हैं तभी बादलों के गरजने की आवाज़ आती है तो जॉन काफ़ी डर जाता है। वहाँ टेडी को गोद में लेके सो जाता है। उसकी ये बच्चों जैसी हरकत लॉरी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगली सुबह लॉरी काम पर जाती है जहाँ उसका बॉस उसे हमेशा की तरह लाइन मारने की कोशिश करता रहता है। उस रात जॉन उसे एक स्पेशल नाइट पार्टी में लेके जाता है जहाँ वे खूब सारी शराब पीते हैं और बहुत मौज मस्ती करते हैं। फिर वे घर आ जाते हैं। घर आकर लॉरी देखती है कि टेड बहुत सारी लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है जिससे घर काफ़ी गंदा हो चुका था। ये देखकर लॉरी का पारा सातवें आसमान पे चला जाता है। घर को साफ करते करते उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। फिर वे दोनों टेडी को घर से बाहर किसी दूसरी जगह पर रखने का फैसला करते हैं। लॉरी जॉन को कहती है कि वहाँ दोबारा उसे कभी मिलने नहीं जाएगा। जॉन टेड को एक ग्रोसरी स्टोर में काम पर लगा देता है और उसके लिए एक फ्लैट का इंतजाम भी कर देता है। जॉन टेड से वादा करता है कि वह लॉरी से छुप छुप कर उससे मिलने जाया करेगा। एक दिन जॉन और टेड एक पार्क में घूम रहे होते हैं तभी टॉनी और उसका बेटा रॉबर्ट वहां पर आ जाते हैं। वह जॉन से कहता है कि वह टेडी का बहुत बड़ा फैन है। वह टेडी को खरीदना चाहता है ताकि उसका बेटा रॉबर्ट उसके साथ खेल सके, लेकिन जॉनी टेडी को बेचने से मना कर देता है। तो टॉनी उसे एक पेपर पर अपने नंबर और घर का एड्रेस देके वहां से चला जाता है। शाम को लॉरी बहुत खुश थी क्योंकि जॉन ने उसके लिए बचपन के दोस्त को खुद से अलग कर लिया था। वही दूसरी तरफ टेड ग्रोसरी स्टोर में काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पर टेड को एक लड़की मिलती है। वह उसे पटाना शुरू कर देता है। एक दिन जॉन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तो टेड उसे फ़ोन करके अपने फ्लैट पर बुलाता है। जॉन अपने बॉस से लॉरी के बीमार होने का बहाना बनाकर टेडी के पास चला जाता है। वे वहाँ पर बहुत मज़े करते हैं। अगले दिन जब टेड का बॉस देखता है कि उसके काउंटर पर टेड नहीं है तो वह उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ का पीछा करते हुए उसकी तरफ जाता है तो वह देखता है कि टेड किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। वह टेड को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसका प्रमोशन कर देता है क्योंकि उन्हें गर्ल्स की ज़रूरत थी। फिर एक दिन लॉरी का बॉस उसे पार्टी में इनवाइट करता है। लॉरी अपने बॉयफ्रेंड जॉन के साथ उस पार्टी में जाती हैं। वे पार्टी का आनंद ले रहे होते हैं तभी टेड का फ़ोन आता है। वह जॉन को अपनी पार्टी में बुलाता है क्योंकि उनके बचपन का फेवरेट हीरो वहां पर आया हुआ था। तो जॉन लॉरी को बिना बताए उस पार्टी में चला जाता है और वे वहाँ पर अपने फेवरेट हीरो के साथ पार्टी इंजॉय करते हैं। पार्टी के ख़त्म होने के बाद जॉन देखता है कि लॉरी वहाँ पर आई हुई है।
वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसने जॉन को टेडी से दूर रहने को कहा हुआ था। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह उसकी एक बात नहीं सुनती और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जॉन काफ़ी दुखी हो जाता है। वहाँ टेड से दोस्ती तोड़ के दोबारा कभी न मिलने की कसम खाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लॉरी के ब्रेकअप की बात सुनकर उसका बॉस उसे डेट पर ले जाने का प्लान बनाता है। वहाँ लॉरी से डेट पर चलने के लिए पूछता है तो लॉरी मान जाती है। अगले सीन में टेड जॉन के फ्लैट पर आता है। वहाँ जॉन को बताता है कि उसने लॉरी को उसके बॉस के साथ घूमते हुए देखा है लेकिन जॉन उसकी बात पर यकीन करने से मना कर देता है। तो टेड उसे भला बुरा कहने लगता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। अंत में दोनों के बीच सुलह हो जाता है। फिर वे हैसल जाते हैं जहां लॉरी अपने बॉस के साथ डेट पर गई थी। जॉन वहां पर लॉरी के लिए गाना गाता है जिसमें लॉरी थोड़ी पिघल जाती है। वहां बॉस की गाड़ी में आना छोड़कर एक कैब बुक करके उसमें घर आ जाती है। अगले दिन टेड लॉरी के घर पे जाता है। वहां लॉरी और जॉन के बीच हुई गलतफहमी को दूर करता है। वहाँ उन दोनों के बीच हुई लड़ाई की वजह खुद को बताकर हमेशा के लिए जॉन की ज़िंदगी से दूर चले जाने का वादा करता है। वहाँ लॉरी से जॉन से मिलने का रिक्वेस्ट करता है तो लॉरी मान जाती है। वहाँ जॉन से मिलने चली जाती है। लॉरी के जाने के बाद टेड भी वहाँ से जाने के लिए उठता है। तभी टॉनी और उसका बेटा रॉबर्ट वहाँ पर आ जाते हैं। वे टेड को एक बोरी में डालकर उसे अपने घर पर ले जाते हैं जहाँ रॉबर्ट उसे टॉर्चर करता है और उसका एक कान उखाड़ देता है। तो टेड उसके साथ खेलने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ रॉबर्ट से लुका छुपी खेलने का फैसला करता है। वहाँ रॉबर्ट को 100 तक गिनने को कहता है तो रॉबर्ट आँख बंद करके 100 तक गिनती गिनना शुरू कर देता है। इसी बीच टेड वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन जानकारी के अभाव में टेड वहाँ से भाग नहीं पाता। वहाँ जॉन को कॉल करता है। वहाँ जॉन से कहता है कि टॉनी और रॉबर्ट ने उसका किडनैप कर लिया है। इतने में उसका फोन डेड हो जाता है। अचानक टॉनी उसके पीछे आ जाता है। फिर टॉनी और रॉबर्ट उसे पकड़कर कार की डिक्की में डाल देते हैं। वे वहाँ से जाने लगते हैं तभी जॉन और लॉरी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वे गाड़ी का पीछा करते हैं और टेड को बचाने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तभी टॉनी की गाड़ी का ब्रेक लगता है जिससे टेडी को थोड़ा टाइम मिल जाता है। वहां गाड़ी से उतरकर स्टेडियम की तरफ भागने लगता है। टॉनी और रॉबर्ट भी उसके पीछे भागने लगते हैं। इतने में लॉरी और जॉन भी आ जाते हैं। टेड एक टावर पर चढ़ता है। उसके पीछे पीछे टॉनी भी उस टावर पर चढ़ जाता है। वहाँ टेडी का पैर पकड़कर खींचने लगता है जिससे टेडी दो भागों में बट जाता है। वहाँ नीचे ज़मीन पर जा गिरता है और एक खिलौने में बदल जाता है। जॉन और लॉरी उसे घर ले आते हैं। वे उसमें रुई भरकर उसे सील देते हैं। उस रात लॉरी उसके जिंदा होने की विश मांगती है। अगले दिन जॉन टेड के वापस खिलौने बन जाने से काफ़ी दुखी था। तभी वह देखता है कि टेड वापस जिंदा हो गया था। वहाँ बहुत खुश हो जाता है। वे फिर वापस बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। वही दूसरी तरफ टॉनी को खिलौना चुराने के जुर्म में जेल डाल दिया जाता है। यहाँ पर फिल्म का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।